डियर व्यूअर्स, हमारा जो पहला वीडियो था वो मोनोसेक्राइड्स के बारे में था, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में था। तो आज हम अपने इस वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसेक्राइड को डिस्क्राइब करेंगे कि मोनोसेक्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, मोनोसेक्राइड्स जितने भी होते हैं ये वाटर में सोलेबल होते हैं, ये तो सबको ही पता है। और ये दूसरा जो प्रॉपर्टी है, इनका जो टेस्ट होता है वो बहुत स्वीट होता है। मिसाल तौर पर पॉलीसेक्राइड्स का तो टेस्ट होता ही स्वीट नहीं है, इस तरह ओलिगोसेक्राइड्स से इनका क्या होता है, स्वीटनेस तेज़ होता है, मतलब सबसे तेज़ होता है मोनोसेक्राइड्स का। तो इसका जो तीसरा प्रॉपर्टी है, ये क्या होते हैं, सिंपल शुगर होते हैं। सिंपल शुगर मतलब ये सिंपल होते हैं, मतलब इनमें कोई बॉन्ड वगैरह या कोई और चीज़ नहीं होती और इनकी लाइसिस नहीं होती। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये हाइड्रोलाइज नहीं होते। अगर हम किसी और मोनोसेक्राइड्स, मिसाल तौर पर ओलिगोसेक्राइड्स और या पॉलीसेक्राइड तो डाइजेशन नहीं होता, सेलुलोज जो होता है, अगर हम सिंपली ओलिगोसेक्राइड को क्या करें, कंज्यूम करें, तो फिर क्या होगा, उसमें जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, वो ब्रेक होंगे, उसके बाद फिर उनकी एब्जॉर्प्शन होगी। तो मोनोसेक्राइड्स का एब्जॉर्प्शन सिंपली हमारे माउथ में ही होता है। और प्राइमरी सोर्स ऑफ क्या होते हैं, ये एनर्जी होते हैं। तो हमारे जिस्म में जो एटीपी की जनरेशन होती है वो डायरेक्टली ग्लूकोज पे डिपेंड करता है, और ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड्स है। सो डियर व्यूअर्स, हम अपने अगले वीडियो में ओलिगोसेक्राइड्स के क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।